पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के बजट के बारे में चर्चा करते हुए कहा, यह झूठी सरकार का झूठा बजट, यह सत्यानाश का बजट है, यह सब प्रस्तावित सबका बस प्रावधान है, यह बजट सिर्फ 3 महीने का है, चुनावी जुमला है। बजट इस साल 1 करोड़ बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर शिक्षक की कमी 27% बढ़ी है, यह बजट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लाडली बहन योजना सिर्फ एक नाटक है। जबलपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने अपना भाव इस बजट के प्रति व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने वही किया जो पहले से करती आ रही है, आम लोगों को राहत देने की कोई प्रयास बजट में नजर नहीं आ रहा, ना जाने क्या सोचकर वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, लोगों का भला करने की कोई ठोस योजना बजट में नहीं है, बजट आशा से विपरीत है। उम्मीद की जा रही है कि जो वादे सरकार ने जनता से किए हैं उसका मकसद केवल और केवल चुनाव के साथ ही महंगाई की मार जनता झेल रही है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, साथ ही गैस की रेट में फिर बढ़ोतरी की गई है, जिस समय 350 गैस कांग्रेस की सरकार में दिया जाता था। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने हमारे पत्रकार को बजट के बारे में बताते हुए कहा। आशीष महोबिया, संभागीय ब्यूरो, जबलपुर। आम जनमानस की सुविधा से इनको कोई मतलब नहीं, महंगाई दर महंगाई, महंगाई दर महंगाई हर समय बढ़ती गई, लगभग 3.25 करोड़, मतलब 3.25 लाख करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पे है, और मैं समझता हूँ कि पर व्यक्ति 46,000 रुपया कर्जदार है। मध्य प्रदेश सरकार की ये मेहरबानी है, और हर में 2-3 महीने में कभी 2 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, कभी 300 करोड़ रुपया ये सरकार फिर कर्ज उठा रही है। मतलब साफ है, जब तक चुनाव आएंगे तब तक ये मध्य प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ के कर्ज पे डाल देंगे, ये तय है। अब उसमें कर्ज वसूली के लिए वेट कम कभी हो नहीं सकता, GST की जितनी क्लासेस हैं वो कम हो नहीं सकती, आम जनमानस महंगाई से टूट चुका। गैस सिलेंडर के रेट आज ही बढ़े 50 रुपये बढ़ गए, 1150 का हो गया एक सिलेंडर, और जब 350 रुपये का था तब गजब का नाचते थे, सखी सैया तो खूबई कमाते थे, महंगाई डाइन खाए जाते थे, और जो जो नाचती थी नेत्रियां अभिनेत्रियां, अब उनके मुंह में दही जमा है। जब 1150 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया, अब वो डायन कहाँ गई, क्या डायन डार्लिंग बन गई? तो ये सरकार संवेदन शून्य है। कोविड काल में आपदा में अफसर सरकार ने ढूंढा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली चले सबको मालूम, अस्पतालों ने लूटा है, और कोविड माफिया पैदा हुए थे। 5 महीने का लॉकडाउन मध्य प्रदेश का वो वर्ग जो निम्न श्रेणी में आता है मध्यम वर्ग, वो अभी तक संभल नहीं पाया, ऊपर से महंगाई की मार और फिर वो बेरोजगारी की मार। कुल मिला के ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, अभी तो हम समझते थे कि ये दम्भी है, अहंकारी है, लेकिन अब समझ में आया कि ये निष्ठुर भी हैं, कठोर हैं, और ये इंसानों की